दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने अपने पहले ही मुकाबले में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया, जिसके बाद उनकी जमकर प्रशंसा हुई और उन्होंने इस शानदार प्रदर्शन का सारा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर तो कप्तान रोहित शर्मा भी हैरान रह गए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं हर्षल पटेल के द्वारा दिए गए महेंद्र सिंह धोनी पर बयान के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 19 नवंबर की शाम भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक अहम मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड की टीम इस श्रृंखला को अपने नाम करने के लिए एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आई, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच जबरदस्त खेल का प्रदर्शन देखने को मिला। इसमें शुरुआत से लेकर अंत तक भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम पर अपना दबाव कायम करके रखा हुआ था। पहले तो जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को इस अहम मुकाबले में 153 रनों के मामूली से स्कोर पर रोकने में कामयाब रहे। इसमें सबसे अहम योगदान दिया इस मुकाबले में अपने डेब्यू कर रहे हर्षल पटेल ने। उन्होंने इस मुकाबले में इतनी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया जिसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे हैं। उन्होंने हाल ही में आईपीएल के दूसरे चरण में जितनी शानदार गेंदबाजी करी थी, उसी तरीके से उन्होंने इस मुकाबले में भी जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी करके ये साबित कर दिया कि वो अब भारतीय टीम के सबसे मुख्य गेंदबाजों में से एक बनने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुकाबले में 4 ओवर में मात्र 25 रन देकर 2 जबरदस्त विकेट अपने नाम किए, जिसके चलते ही वो न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी जो कि भारतीय गेंदबाजों पर हावी पड़ती हुई नजर आ रही थी उसे रोकने में कामयाब रहे और न्यूजीलैंड को मात्र 153 रन पर रोकने में अहम योगदान देते हुए नजर आए। उन्हें इस मुकाबले में इतनी शानदार गेंदबाजी करने के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, जिसके लिए उनकी जमकर प्रशंसा भी हुई। लेकिन उन्होंने इस खिताब को स्वीकारते हुए अपने जबरदस्त प्रदर्शन का सारा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी हैरान रह गए। दोस्तों, बता दें, हर्षल पटेल ने मैन ऑफ द मैच का खिताब स्वीकारते हुए अपने बयान में कहा है कि भारतीय टीम के लिए खेलने का उनका बचपन से ही सपना था, जो कि भले ही देर में पूरा हुआ हो लेकिन आखिरकार पूरा हो गया। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो जब भी भारत के लिए खेलने के लिए कोई भी मुकाबला मैदान पर उतरेंगे तब वो जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके भारतीय टीम की जीत में अहम योगदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐसा इस मुकाबले में करके भी दिखाया। जब भारतीय टीम को उनसे एक बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी तब वो पूरी टीम की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए नजर आए, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हैं और उनके प्रदर्शन से भारतीय टीम को जीत हासिल हुई है। इससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए और कुछ नहीं हो सकती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने इस मुकाबले में जो भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है वो उसका सारा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देना चाहेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने टी20 वर्ल्ड कप के दौरान उनकी गेंदबाजी पर काफी ज्यादा काम करवाया था। उन्हें हर परिस्थिति को लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने काफी कुछ समझाया और उन्हें बताया कि वो कैसे अपने खेल में सुधार कर सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने आंख बंद करके महेंद्र सिंह धोनी की सारी बातों को माना और वो ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन करने में कामयाब रह पाए। लेकिन दोस्तों, आप सभी हर्षल पटेल की इस शानदार गेंदबाजी के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी की महानता को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को।